अब देखिए, आज जो हमारी एल्गोरिथम है वो है हमारी सर्कल एल्गोरिथम। अब पहली बात तो सर्कल एल्गोरिथम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले के जो चार पार्ट है जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के हैं उसमें कंप्लीट सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। कुछ डिवाइसेस के जो वीडियो है जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट पर मैंने डाल रखी है, तो वो कंप्लीट आपका सिलेबस जो है वो सीजी का आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। सर्कल एल्गोरिथम अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं। एक जो तरीका होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम लोग ये एक्स माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी, सी फॉर सेंटर के लिए हो गया, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सर्कल है उसके पॉइंट टू पॉइंट हर एक कोऑर्डिनेट जो उसकी सरकमफ्रेंस है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग पता करते हुए चलते हैं। जैसे कि इसमें ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो प्लस होगा, वापस से उसमें कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इस तरफ कम होना शुरू होगा, फिर वापस से प्लस होगा। इस तरह से हम लोग सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इस इक्वेशन में एक्स कैसे निकलता है, वाई कैसे निकलता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पे हम लोग दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करते हैं तो देखिए, एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यानी कि अगर मुझे एक्स सी निकालना है तो एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर मैं इक्वल टू करूंगा तो आर स्क्वायर तो यही है, और ये जो है प्लस का इसमें यहां पर वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर चला जाएगा। इस तरफ प्लस का किसमें चला जाएगा, यहां से माइनस के। अब ये जो स्क्वायर है एक्स माइनस एक्सी होल स्क्वायर बनेगा आर स्क्वायर माइनस वाई सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट बन गया। अब ये जो माइनस है तो एक्स बराबर अगर मैं निकालता हूं तो ये निकलेगा आर स्क्वायर माइनस वाई सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस एक्स सी। ये मैंने आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना बताया। सेम इसी तरह से अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो देखिए, एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर वाई माइनस वाई सी का होल स्क्वायर। ये इधर से इधर आएगा तो आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका एक्स माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। वही सेम अगर मैं वाई माइनस वाई सी की बात करता हूं तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और इसी तरह से अगर मैं वाई निकालता हूं तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस में था ये यहां पे प्लस में। तो आपने एक्स भी निकाल लिया और आपने क्या निकाल लिया, वाई भी आपने निकाल लिया। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो आप देखिए, ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा क्या है, वाई है। इस कोऑर्डिनेट के अगर मैं इस यहां तक अगर बात करता हूं इस एरिया की, तो भाई ये मेरा एक्स वाई है, लेकिन अगर मैं ऊपर की तरफ बात करता हूं तो ये मेरा वाई एक्स, अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये आपको पता है ये माइनस का एक्स है, इधर के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो माइनस का एक्स और वाई है, लेकिन ऊपर के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्स तो यहां पे है वाई, और ये हो जाएगा माइनस का वाई और क्या हो जाएगा एक्स। सेम इसी तरह से आपको पता है ये माइनस एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस का वाई है, अपोजिट करेंगे तो माइनस का वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। इस तरफ की अगर आप बात करते हैं तो ये एक्स कोमा माइनस का वाई है, अपोजिट करोगे तो माइनस का एक्स और वाई आपका हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस का वाई और आपका एक्स हो जाएगा। ये आठ कोऑर्डिनेट हो गए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप उस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो प्लस होगा, और वापस से इस तरफ दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा। तो ये मैंने आपको क्या समझाया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड की, तो आप ये समझे कि ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल में पहले जो कोऑर्डिनेट थे
वो एक्स वाई थे, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे एक्स डैश और वाई डैश मिलेंगे। यानी कि मैं अगर पहले इक्वेशन की अगर बात करूं तो ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में आपका ये पैरेलल है, ये आपका वाई है और ये आपका रेडियस है, और इसी तरह से ये आपका बेस है जो कि आपका क्या है, एक्स है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, केवल इसी ट्रायंगल की बात करता हूं, और मैंने कहा कि मुझे साइन फाई की वैल्यू चाहिए। साइन क्या होता है, पी डिवाइडेड क्या होता है, एच होता है। पी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या है, वाई, और एच जो है वो हमारा है। यानी कि अगर मैं वाई निकालूं तो आर जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा आर साइन फाई। ये पहली इक्वेशन आप, इसी तरह से अगर मैं कहता हूं कि मुझे कोस फाई निकालना है, कोस फाई अगर मैं निकालूंगा, देखिए इससे मुझे वाई मिल गया। अब मैं एक्स की बात करूंगा तो क्या है, बी डिवाइडेड एच, बेस आपका क्या है, एक्स है, और एच आपकी क्या है, आर है। अब मैं एक्स को निकालूंगा तो ये बन जाएगा आर कोस फाई। अब आप इस बात को देखिए कि ये पहला जो कोऑर्डिनेट था वो आपका एक्स वाई था, नेक्स्ट जो एंगल आपने इसमें थीटा जोड़ा है। यानी कि अगर मैं वाई डैश की बात करता हूं तो वो आर साइन फाई प्लस क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं एक्स की बात करता हूं, एक्स डैश की, तो आर कोस फाई तो था ही था, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, थीटा जुड़ जाएगा। साइन ए प्लस बी अगर हम लोग बोलते हैं तो वो कहलाता है कोस ए साइन बी माइनस साइन ए, और क्या हो जाता है आपका, कोस बी। मतलब आपका जो ए प्लस बी आपने निकाला है, साइन ए प्लस बी आपने निकाला, तो वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर आपका आ जाएगा। मतलब ये प्लस आपका हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इक्वेशन में रखूं इसी चीज को, इसको मैं फाई मान लेता हूं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, आर तो है ही है, तो आपने क्या लिखा, इसको लिखेंगे आप कोस फाई ए हो गया ये आपका, और साइन थीटा प्लस वापस से आर साइन फाई, और कोस आपका हो जाएगा थीटा। आर कोस फाई, आर साइन फाई, आर कोस फाई और आर साइन फाई, मतलब ये दो इक्वेशन आ गई, एक नंबर और दो नंबर। दोनों को अगर यहां पुट करते हैं तो वाई डैश जो निकल के आएगा वो आपका हो गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड, थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे ये पता है कि कोस ए प्लस बी जो होता है वो पहले कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। मतलब पहले जो वैल्यू जो आएगी वो आपकी कोस वाली आएगी, और फिर जो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आपकी साइन वाली वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पहले आपने कोस का निकाला, फिर आप किसका निकालेंगे, साइन का निकालेंगे। तो ये अगर आप देखते हैं तो इसमें आपने देखा कि ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए इसी चीज को मैं प्रूफ करता हूं, तो एक्स डैश बराबर मैंने क्या लिखा, आर कोस, पहले कोस कोस लिखना है आपको, कोस फाई कोस थीटा माइनस आर साइन फाई, और क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। वही सेम आर कोस फाई है, आर साइन फाई है, ये आपका आर साइन फाई है, आपका आर कोस फाई है। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई जिसके थ्रू आप लोग जो है सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी का ही उपयोग हम लोग लेंगे कहां पर, जब हम लोग यूज करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये देखें कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक 2D होता है,
एक 3D रहता है। अब चाहे 2D ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वो 3D ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके अंदर या तो बेसिक होते हैं या आपका जो मेथड जो होता है वो आपका एडवांस होता है। बेसिक में आप जो है शामिल करते हैं ट्रांसलेशन को, फिर आप शामिल करते हैं किसको, रोटेशन को, और एक आप शामिल करते हैं स्केलिंग। इसी तरह से सेम टू सेम 2D है, वैसे वैसे सेम 3D होगा, और वही सेम मैटर आपका इसमें काम आएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन और ये आपका हो जाएगा शेयरिंग। अगर आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो आप इस बात को ऐसे समझे कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है जो कि आपका है एक्स और वाई। अगर आप इसको मूव करते हैं तो नया कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश होगा और बीच का डिफरेंस टी एक्स और क्या हो जाएगा आपका टी वाई हो जाएगा। यानी कि ये तो हो गया आपका डायग्राम। अब मैं इक्वेशन अगर बनाता हूं तो इक्वेशन बनेगी एक्स डैश बराबर हो जाएगा एक्स टी एक्स, इसी तरह से वाई डैश बराबर हो जाएगा वाई प्लस टी वाई। यानी कि ये हो गया आपका डायग्राम। फिर आपने क्या बनाई, इक्वेशन, और अब आपकी हो जाएगी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की अगर बात करते तो आपने कहा एक्स डैश वाई डैश बराबर हो जाएगा एक्स वाई, और आपकी ट्रांसलेशन वाली मैट्रिक्स हो जाएगी टी एक्स और टी वाई। मैट्रिक्स के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको कह दे कि कोई लाइन है, कोई ड्रॉ है, कोई भी चीज, अगर लाइन होंगे तो दो ही कोऑर्डिनेट होगा, पॉइंट होगा, तो अगर मान लो ट्राइंगल है तो आपके तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, जैसे ये आपके तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और उसके अलावा जब वो मूव करेगा तो उसके टी एक्स की वैल्यू और टी वाई की वैल्यू दी हुई आएगी। जो भी वैल्यू आएगी आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले में आप ये टी एक्स जोड़ेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब 1 + 2 आपका क्या हो जाएगा 3, और ये दूसरे वाला जो है ये 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा 5, मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका हो जाएगा 3 5। इसी तरह से इसमें पहले वाले में 2 जुड़ेंगे, दूसरे वाले में 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से पहले वाले में 2 जुड़ेंगे, दूसरे वाले में 7, ये आपके कोऑर्डिनेट। इस तरह से आप रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं तो उसमें 4 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जो भी कोऑर्डिनेट आपके एग्जाम्पल में दे रखे हो उसके अंदर टी एक्स और टी वाई भी आपका दिया हुआ होगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल में हो सकता है कि एक्स डैश और एक्स दिया हुआ हो और टी एक्स निकालने को कह दें तो आप ये समझ ले कि टी एक्स अगर आप निकालेंगे तो वो एक्स डैश माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ट्रांसलेशन के बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका रोटेशन। अगर आप रोटेशन की बात करते हैं तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायग्राम की, फिर इक्वेशन की, और फिर बात करेंगे हमारी मैट्रिक्स की। अब देखिए डायग्राम की अगर बात करते हैं तो आपका जो भी पॉइंट है, मान लेते हैं ये एक्स वाई है, और ये जो पॉइंट था ये आपका क्या हो गया एक्स डैश और वाई डैश हो गया, ये मूव कर गया। रोटेशन, रोटेशन आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब वही सेम बात अगर आप इक्वेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, निकाल के एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसी तरह से वाई डैश बराबर एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, जिसको मैंने अभी आपको प्रूफ करके आपको बताया था। तो आपका जो है कोस साइन, साइन और कोस आपका हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन होगी। मैट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो वही सेम एक्स डैश और वाई डैश हो गया, यहां पे आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, और यहां पे आपके कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसी तरह से साइन थीटा और क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब आप कहेंगे अगर एग्जाम्पल अगर आपका आता है तो वही सेम बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, मान लेते रेक्टेंगल है, मान लेते 2 3 3 4 4 2 और 2 5 3 कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे, वो नाम देके आपको बताएगा ए है, बी है, सी है और डी है, इस तरह से 4 कोऑर्डिनेट आपको बताएगा। फिर वो आपको ये कह सकता है कि पर्टिकुलर इसमें एंगल पे उसको क्या किया गया, रोटेट किया गया है।
मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस आएगा। अब ये जैसे ही रोटेट करेगा तो एंगल जो है वो आपको दिया हुआ आएगा 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी आपके दिया हुआ आता है। अब आप ये समझे कि अगर वो दिया हुआ है तो आपको वही सेम आप जैसे 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0, 1 बटा 2, 1 बटा अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 और क्या हो जाएगा 0। जो भी एंगल आपको दे रखा है आपको पहले तो वो कोऑर्डिनेट यहां पे आप क्या कर देना, सेट कर देना, ये समझा के कि आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, जैसे 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 2 हो गया और 5 3 हो गया, जो भी दे रखे वो आप लिख दे। इसके बाद यहां पर एंगल के अकॉर्डिंग आप लिख दे, जैसे कि कोस आपका क्या है 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, इसी तरह से साइन 45 डिग्री और कोस 45, जो भी आपका दे रहा है। फिर आपका जो भी एंगल मैच करता है, जैसे ये साइन वाली लाइन होगी, ये आपकी कोस वाली लाइन हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेम टू सेम मैट्रिक्स बनाकर आप एंगल पुट कर देना, जैसे 1 अपॉन रूट 2 हो गया, इसका माइनस 1 अपॉन रूट 2 हो गया और फिर ये 1 अपॉन रूट 2 हो गया, ये 1 अपॉन रूट 2 हो गया। अब आप चाहें तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आगे भी आप इसको मल्टीप्लाई करके समझा सकते हैं, जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आप एक बार इतना प्रैक्टिस करने की आदत डाल लीजिए। ये आपका जो हो गया, ये आपका हो गया रोटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्केलिंग। स्केलिंग मींस होता क्या, देखिए ट्रांसलेशन हमने किया मूवमेंट के लिए, रोटेशन रोटेट करने के लिए, स्केलिंग होता है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके साइज में बदलाव। साइज में बदलाव जो है दोनों दिशाओं में इक्वल होता है, चाहे एस एक्स दिशा में हो रहा है चाहे एस वाई दिशा में हो रहा है, और चारों तरफ से इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्केलिंग कहते हैं। जबकि यही सेम काम शेयरिंग में होता है लेकिन उसमें एक्स दिशा में हो गया या वाई दिशा में हो गया तो उसकी शेप जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। अब ये साइज आधा भी हो सकता है, तब इसको 1/2 माना जाता है, डबल हो जाता है तब इसको मल्टीप्लाई 2 माना जाता है, तो वो पेपर में आपके दिया हुआ आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहली बात वही सेम बात, जो पहले कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई होंगे और नए कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश होंगे। इक्वेशन अगर आप निकालते हैं तो एक्स डॉट एस एक्स हो जाएगा, वाई डैश बराबर वाई डॉट एस वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इजिली पेपर में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने इक्वेशन है न्यूमेरिकल भी अगर आते हैं तो बेसिक चीजें बता सकते हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरह से मैट्रिक्स अगर आप बनाते हैं तो सेम जैसे मैं बता ही रहा हूं था, एक्स डैश वाई डैश और यहां पर आपको हो गया एक्स वाई और एस एक्स और एस वाई, क्योंकि दोनों पैरेलल में होते हैं तो इसको यूनिट मैट्रिक्स के रूप में आप यहां पर लिखते हैं। अब देखिए वही सेम बात जैसे मैं आपको कह ही रहा था कि जो भी चीज है जैसे ट्राइंगल है रेक्टेंगल है उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए आएंगे, चाहे वो डबल का बोले तो आपको डबल करना है मल्टीप्लाई करना है, हाफ का बोले तो उसका आधा आपको करना है, तो ये कोऑर्डिनेट आपके दिए हुए आएंगे। तो आप ये समझे कि वो जो भी कोऑर्डिनेट है वो आप यहां पर इस तरह से 2 3 3 4 4 2 आपने लिख दिया। लिखने के बाद वो कहता है कि इसका जस्ट डबल हो गया है, डबल हो गया है तो आप मान के चलो कि ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो एक्स एक्सिस है ये डबल हो जाएंगे, या उसने कहा कि इस दिशा में 3 हो गया है, इस दिशा में 2 हो गया है, ये सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सारे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जैसे 2 2 4 हो गया आपका, 3 2 आपका 6 4 2 8, इसी तरह से यहाँ पे 9 हो गया, ये 12 हो गया और ये इस तरह से। और अगर हाफ का कहता है तो इसको आप हाफ कर देंगे, कह देता है वो साइज हाफ हो गया, तो ये आपका हो गया आपका स्केलिंग आपका। इसके बाद स्केलिंग के बाद में अगर आप लोग बात करते हैं तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट है वो है एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन के आपके है। एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या रहता है, अब देखिए रिफ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए अलग अलग दिशाओं के अकॉर्डिंग मैं आपको रिफ्लेक्शन समझाता हूं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जो भी कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है, हमारे पास एक ट्रायंगल हम लोग लेके चलते हैं और मैंने आपको कहा कि एक ट्रायंगल है ये और ये एक्स दिशा में
ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको पता है कि ये एक्स है और ये माइनस का वाई है, तो सिंपल सी बात है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे वो माइनस के अंदर वाई में चले गए। इसका मतलब एक्स डैश जो निकलेगा वो तो आपका एक्स का एक्स ही पड़ा है, लेकिन वाई डैश जो है वो माइनस में चला गया। सिंपल सा दिख ही रहा है, आपका जो कोऑर्डिनेट जो है वो आपका किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और इसकी इक्वेशन अगर आप लोग बनाते हैं तो वही सेम एक्स वाई हो गया, इधर आपका एक्स डैश और वाई डैश, सॉरी एक्स डैश वाई डैश हो गया, ये आपका एक्स वाई हो गया। और यहाँ पे क्योंकि एक्स तो वैसे वैसे ही पड़ा है, लेकिन जो वाई जो है वो किस में चला गया, माइनस। और इसी तरह से आपको करना कुछ भी नहीं है, जो भी आपके कोऑर्डिनेट दे रखे, अगर मान लो न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं तो जो y वाले जो कोऑर्डिनेट है, मतलब जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, माइनस में। जैसे 4 5 है तो 4 और माइनस 5, ये हो गया आपका पहला रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं y एक्सिस पे करना है तो आपके ये चीज यहां से यहां आएगी, तो आपको पता है कि ये माइनस x हो गया, इसका मतलब x माइनस में हो गया, y वैसे वैसा ही पड़ा है। वही सेम बात, x माइनस में हो गया, y वैसे वैसा पड़ा है। अगर इक्वेशन में दे रखा है तो ये जो भी कोऑर्डिनेट आगे वाले लिखे जाएंगे वो 4 3 के बदले आपके क्या लिखे जाएंगे, माइनस 4 और 3 हो जाएंगे, माइनस 3 और 4 हो जाएंगे, माइनस 4 और क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल इसका देखते हैं, ये आपका हो गया वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि आपका ये आपका ओरिजिन कहलाता है। यहां से यहां पे अगर मैं इसको रोटेट करता घुमाता हूं तो ये दोनों के दोनों माइनस हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसका मतलब कोऑर्डिनेट भी माइनस, इसका मतलब ये सारे कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस में लिखे जाएंगे अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है। और लास्ट अगर मैं आपको कहता हूं कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपके उसी जगह पे रोटेट होंगे, तो आप ये मान के चलो कि जो x है वो y बन जाएगा, y जो x बन जाएगा, और जो 1 और 0 जो इधर थे वो आपके 1 और 0 कहां जाएंगे, इस दिशा में। मतलब जो कोऑर्डिनेट 2 और 3 थे वो 3 और 2 कहलाएंगे, जो 4 और 3 थे वो 3 और 4 कहलाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा ये आपका हो जाएगा ओरिजिन के अकॉर्डिंग, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है शेयरिंग। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। शेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर साइज के साथ शेप बदल जाती है, देखिए शेयरिंग को याद रखने के लिए आप डायग्राम बनाना देखें। सबसे पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई शेप है और उसके कोऑर्डिनेट है, जैसे कि ये 0 0 आपका हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट 5 0 हो गया, ऊपर वाला 5 5 हो गया, और ये वाला आपका 0 और 5 हो गया, मतलब वाई दिशा क्या होगी, 5 है, और यहां एक्स दिशा आपकी क्या है, 5। अब इसको शेयरिंग को भी अगर हम लोग करेंगे तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको कहता हूं कि ये शेयरिंग एक्स दिशा में हम लोग कर, यानी कि ये मैं इधर ले आया, मतलब ये जो मेरा कोऑर्डिनेट था ए कोऑर्डिनेट, ये मेरा अब ए कोऑर्डिनेट है जो कि 5 5 हो गया, मतलब यहां से यहां आ गया एक्स दिशा में, और ये और आगे चला गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, और आगे 10 और 5 हो जाएगा, और ये वही का वही बैठा है, मतलब 5 और 0 ही पड़ा है, और ये 0 0, ये आपका हो गया एक्स दिशा के अंदर। और जब आप एक्स दिशा में करते हैं तो इक्वेशन जो है वो एक्स डैश बराबर एक्स प्लस आपका हो जाएगा एस एच एक्स डॉट वाई, मतलब एक्स एच एक्स दिशा में है, और किस में बदलाव हुआ है आपके y के अकॉर्डिंग, आपने इसको क्या किया है, बदलाव किया है, और y जो है वो आपका वैसा वैसा ही पड़ा। अगर इसी चीज को सेम टू सेम कोऑर्डिनेट को मैं आपको कहता हूं कि ये x दिशा में ना होकर y दिशा में हुआ, देखिए ये कोऑर्डिनेट 0 5 है, ये कोऑर्डिनेट 5 और 0 है, ये जो कोऑर्डिनेट था ये वाला कोऑर्डिनेट ये y दिशा में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको बोलेंगे SHY, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपका कोऑर्डिनेट जो है उसका जो मूवमेंट जो है वो आपका कौन सी दिशा में हो जाएगा, y दिशा में हो जाएगा।
और वाई दिशा में आपका होगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है जो नीचे था कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट था बी ये ऊपर चला गया, मतलब वाई दिशा में चला गया, और एक्स कोऑर्डिनेट वही का वही, और ये वही का वही है, और ये कोऑर्डिनेट और ऊपर चला गया, मतलब ऊपर की तरफ गया, वाई दिशा में गया, तो 5 कोमा आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट आपका 5 5 ही पड़ा है, ये देखें। और कौन सी दिशा है, एस एच वाई है, वही सेम बात कैसे करेंगे, एक्स डैश तो वैसे वैसे ही रहेगा, और यहां पर हो जाएगा एस एच वाई डॉट आपका हो जाएगा एक्स। अब थर्ड में आपको शेयरिंग समझा रहा हूं जो एक्स दिशा में भी होगा और वाई दिशा में भी होगा। अगर हम एक्स दिशा और वाई दिशा में अगर बात करते हैं, और एक चीज और ध्यान रखें, इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, एक्स डैस वाई डैस बराबर एक्स वाई हो जाएगा, और जो मैट्रिक्स जो बनेगी उसके अंदर एस एच वाई ये आपका कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये एक्स वाली लाइन होगी तो यह एस एच वाई, और बाकी जगह जो है वही सेम यूनिट मैट्रिक्स आपकी, इसको पुट आप कर देंगे। और एस एच एक्स अगर होता तो ये आपका सॉरी एस एच एक्स तो आपका यहां हो जाएगा, और एस एच वाई अगर होता तो वो यहां लिखा जाता। अभी हमें एस एच वाई लिखना था तो हमने यहां लिख दिया। अगर मैं कहता हूं कि दोनों ही दिशाओं में हो रहा है, तो आप ये देखिए एक तरह से ये आपके रोम्बस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक्स दिशा में भी हुआ एस एच एक्स, और वाई दिशा में भी आपकी शेयरिंग हो रही है। जब दोनों दिशाओं में होता है तो यहां कोऑर्डिनेट दोनों लिखे जाएंगे, यहां पे भी एस एच एक्स डॉट वाई लिखा जाएगा जब ये दोनों दिशाओं में आपका माना जाएगा। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, जिसमें आपने रोटेशन देखा, शेयरिंग देखा, रिफ्लेक्शन हो गया आपका चारों तरह से, और उसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए। ये आपके तीनों जो दो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो बनाए यही प्रैक्टिकल वाले वीडियो थे जो मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिए, बाकी जो थ्योरेटिकल वीडियो थे वो मैंने इससे पहले आपके वीडियो बना रखे हैं, और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो वीडियो मैंने आपके प्लेलिस्ट में शामिल कर दिए हैं।